हेलो एवरीवन, निधि किचन एंड होम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बिल्कुल ऑयल फ्री, बिना तले, बिना बनाए, बहुत ही इंस्टेंट दही बड़े। रेसिपी पसंद आए तो लाइक और कमेंट करना ना भूलें। तो इन टेस्टी से दही बड़े को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है 100 ग्राम पनीर। इन्हें हम बहुत ही बारीक वाले ग्रेटर से ग्रेट कर लेंगे इस तरह से। ये देखिए, हमने अच्छी तरह से ग्रेट कर लिया है। अब यहाँ पर हमने एक उबला हुआ आलू लिया है। आपके पास जितना पनीर हो आप उतना डाल सकते हैं। तो ये देखिए, आलू भी हमने ग्रेट कर लिया है। अब हम इसमें कुछ मसाले डालेंगे। तो सबसे पहले हमने नमक डाल दिया है, 1/4 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर डाल दिया है, चाट मसाला 1/4 टीस्पून डाल दिया हमने, रेड चिली पाउडर भी 1/4 टीस्पून डाला है हमने। स्पाइसेस आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। यहाँ पर मैंने लहसुन और ग्रीन चिली का पेस्ट डाला है। 1 टीस्पून हमने यहाँ पर ग्रीन चिली ली है, ये एक चॉप की हुई ग्रीन चिली है। काजू डाल दिए हमने यहाँ पर 2 टेबल स्पून चॉप किए हुए, इससे इसमें बहुत ही नटी फ्लेवर और बहुत ही टेस्टी फ्लेवर आएगा। चॉप किए हुए हमने धनिया भी डाल दिया है। सभी को बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। तो ये देखिए, स्टफिंग हमारी बनकर तैयार हो गई है। तो चलिए इसे असेंबल कर लेते हैं। तो हम इसे ब्रेड से बनाएंगे। ये देखिए, तो हमने यहाँ पर 4 से 5 ब्रेड ले ली हैं। अब इसके जो साइड के कॉर्नर हैं उन्हें हम अलग कर लेंगे। आप चाहे तो इनके साथ भी बना सकते हैं। इन्हें अलग करके आप इन्हें ग्राइंडर में अच्छी तरह से ग्राइंड कर लें तो ये ब्रेड क्रम बन जाते हैं, तो ये बिल्कुल भी वेस्टेज नहीं जाएंगे। तो ये देखिए, सभी को हमने कट कर लिया है। अब एक बाउल ले लेते हैं हम यहाँ पर, जो हमने स्टफिंग बना कर रखी थी वो भी हमने ले लिया है। थोड़ा सा हम पानी ले लेंगे, आधी कटोरी के लगभग। हल्का सा पानी से हमें स्प्रिंकल करना है इस तरीके से, ये देखिए। और जो हमने स्टफिंग बनाई थी उसकी हम बॉल्स बनाकर इसके अंदर स्टफ़ कर लेंगे। यकीन मानिए, ये इतना टेस्टी लाजवाब दही बड़े बनकर तैयार होते हैं, बिना तले और बिना टाइम वेस्ट किए, और बिल्कुल इंस्टेंट 5 मिनट में ये तैयार हो जाते हैं। बच्चों से लेकर बड़े तक ये सभी बहुत पसंद करने वाले हैं। तो ये देखिए, हमने इस तरह से गोले बना बना कर इनके रख लेने हैं। आप पहले से भी इन गोलों को बनाकर तैयार करके फ्रिज में स्टोर करके रख लीजिए। चटनियाँ बनाकर भी आप पहले से रख लीजिए, और बस जब भी आपको खाना हो तो तुरंत तुरंत लीजिए और इसको आप खा सकते हैं। बच्चों को बहुत पसंद आते हैं, बड़ों को भी ये बहुत पसंद आते हैं। तो ये देखिए, सभी को हमने तैयार कर लिया है। अब इसकी हम प्लेटिंग कर लेते हैं। तो जब आपके पास समय ना हो और आपको कुछ चटपटा, तीखा और चाट वाला जैसा कुछ खाना हो ना, तो आप इसे ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने दही लिया, इसे फेंट लिया है, और हमने इसमें डाल दी है चीनी पिसी हुई। तो ये मीठा वाला दही है। आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा ब्लैक पेपर भी ले सकते हैं, ब्लैक सॉल्ट भी ले सकते हैं। तो मैंने प्लेन ही रखा है मीठा दही। अब हम इसमें डाल देंगे इमली की बहुत ही टेस्टी खट्टी मीठी चटनी। मैंने इसे अपने चैनल पर शेयर भी किया है, और ये मैंने थोड़े अलग टाइप से बनाया है। अगर आपको पसंद है तो मैं इसे भी ज़रूर शेयर करूँगी। यहाँ पर मैंने ग्रीन चटनी ली है, जिसमें मैंने लहसुन, मिर्ची, धनिया और अदरक को अच्छी तरह से ग्राइंड कर लिया, साथ में नमक डाला है इसमें। तो अब हम इसमें डाल देते हैं चाट मसाला, स्प्रिंकल कर लेते हैं, इससे ही बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। ब्लैक पेपर पाउडर ले लेते हैं, बिल्कुल पिंच ऑफ लेना है हमें। रेड चिली भी हम इस तरह से स्प्रिंकल कर लेते हैं। स्पाइसेस आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, मसाले जो भी आपको पसंद हो। हम इसके ऊपर से थोड़ा सा काजू भी डाल देते हैं। अब फिर से हम एक बार इसमें एक लेयर देते हैं, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट भी आता है और ये देखने में बहुत ही सुंदर और अट्रैक्टिव लगते हैं। तो देखिए, है ना, बहुत ही सिंपल, झटपट, और केवल 5 मिनट के अंदर ही आप इसे ऑयल फ्री दही बड़े बना सकते हैं। जो रियल दही बड़े बनते हैं वो उड़द की दाल से बनते हैं, उन्हें फ्राई करना पड़ता है। तो ये बहुत ही स्पेशल, सिंपल से बनकर तैयार हो जाएंगे। अब हमने यहाँ पर अनार के दाने डाल दिए, ये ऑप्शनल है, आपके पास ना हो तो आप स्किप कर सकते हैं। धनिया की पत्ती भी हमने डाल दी है चॉप की हुई। अब बिल्कुल असली टेक्सचर देने के लिए हम इसके ऊपर से ये बारीक वाले सेव दे रहे हैं। आप कोई भी नमकीन डाल सकते हैं। ये देखिए, बिल्कुल परफेक्ट दही बड़े बनकर तैयार हैं। तो आप इन्हें ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। फ्रेंड्स और फैमिली में भी शेयर करें। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि सारी नोटिफिकेशन आपको मिल सके।